तालिबान से ताल्लुक है, कहां है, जेल के अंदर, मगर कुर्बान जाओ पूरी दुनिया में अमन और शांति वाला अगर कोई मसलक है तो उस मसलक का नाम मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत है। और ये मैं नहीं कहता हूं, घबरा करके दुनिया ने सर्वे किया था, अमेरिका ने, यूरोप ने 2009 में, और इसकी रिपोर्ट मैंने एक अमरीकी स्कॉलर से जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं जामिया मिल्लिया में सुना। उन्होंने अपने स्पीच में कहा दुनिया में जितने हंगामे बरपा हैं ये इस्लाम के दिगर तबकात के फैलाए हुए, और जितने दुनिया में जितनी जमातें हैं, जितनी शख्सियतें हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसे सऊदीया और अमेरिका ने खरीद नहीं लिया हो। मैंने कहा तकरीर खत्म होने के बाद मौलवियाना फिक्र पे दानिश्वरी की मोहर लगाने के लिए मुबारकबाद हो, मगर ये बताइए दुनिया में कोई ऐसी जमात है जिसे ना अमेरिका खरीद सका हो ना सऊदीया खरीद सका हो। कसम खुदा की, जुमला खत्म होते ही असद मदनी के भांजे डॉक्टर असलम अब्दुल्ला ने कहा मौलाना दुनिया में सिर्फ एक जमात है जिसे ना अमेरिका खरीद सका है ना सऊदीया खरीद सका है। मैंने कहा वो कौन है, उन्होंने कहा सिर्फ बरेलवी है जिसे ना अमेरिका खरीद सका है ना सऊदीया खरीद सका। और बरेलवी को खरीद क्यों नहीं सका, इसलिए कि हमारा सरबराह था जो शरिया था, जो बिका था तो आले रसूल के हाथ पर बिका था, बिका था तो मदीने वाले के हाथ पर बिका था, और उन्होंने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा ली। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करता हूँ मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान अल्लामा